हेलो मेरे तो लेडीज लोग बाहर ऑलरेडी हैं देखें ये बहुत एक खूबसूरत मौका है कि इतने अच्छे चेहरे और इतने मौत पर फैमिली से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जोक दर जोक जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा म्यूनसिपल काउंसिल के सबका प्रेसिडेंट जनाब शिराज लोन साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और आज एक चूंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ख्वातीन के लिए नशिस्त जो हैं वो कुछ मुकर्रर हुई हैं मखसूस हुई हैं और वार्ड नंबर 7 में आज महमूदा बेगम साहिबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। मैं अपनी तरफ से अपनी जमात की तरफ से जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से इनको जमात में खुश आमदीद कहता हूँ और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक बहुत ही बेहतरीन फैसला इन्होंने अपने हक में और इस आवाम के हक में लिया है। मैडम आप जानते हैं एक बेहतरीन उस्ताद की शक्ल में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है और सिर्फ अगर इनके स्टूडेंट्स ही इनको वोट देंगे तो इंशाल्लाह इनकी जीत पक्की है। तो हम पुरुद हैं कि न सिर्फ रजौरी की बल्कि थन्ना मंडी और दीगर तमाम मसाफात की म्यूनसिपलिटीज़ में इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपना झंडा लहराएगी और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में यहीं से कुछ लोग जो आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं म्यूनसिपलिटी को लीड करते हुए नज़र आएंगे। और बहुत खुशी की बात है कि मैडम के हमरा कई एक हमारी बहनों ने जो बीजेपी में थी बीजेपी को छोड़ के आज के इस हालात को वक्त को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। बहुत ये फैसला किया है। मुझे वैसे शुरू से ये था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। जब मैं टीचर थी तब भी मैं सोचती थी, मुझे टीचर हंसती थी कहती थी कि भाई हो सकता है रिटायरमेंट के बाद आप पॉलिटिक्स में जाएं। तो आज 4-5 दिन हुए कि मुझे आए पार्टी वाले कहने लगे, मैंने कहा मैंने अभी सोचा नहीं, मुझे सेहत नहीं ठीक थी, मैंने कहा मैं सोचूंगी उसके बाद बताऊंगी। उसी वक्त रोन साहब आ गए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ठीक है वेल एंड गुड। जब ये खुद आए हैं हमसे वोट देने के लिए, खुद ये मेंबर ढूंढने के लिए आए हैं, तो हमने कहा ठीक है अगर इनकी जरूरत है तो चलो ठीक है इंशाल्लाह ताला जहां तक हो सके निशाना बशाना लाकर इनके साथ चलो। और भी बहुत सी पार्टियां थी, मैंने नहीं ज्वाइन यही किया। इसको क्यों ज्वाइन किया? मुझे इसलिए आया कि मैंने कहा नहीं, इसका पीछे बहुत बड़ा हाथ है इस पार्टी का, क्योंकि बाकी पार्टियां सिर्फ नाम की रह गई हैं। इंशाल्लाह ताला शुरू से ही पार्टी थी, पहले 2-3 पार्टियां होती थी, एक एनसी होती थी, यही थी ये भारतीय जनता पार्टी जिसको बोलते थे क्या ये जंग संघ, अब नाम चेंज किया उन्होंने, रखा है बीजेपी। तो इंशाल्लाह ताला जहां तक हो सके मेरा, मैं इंशाल्लाह अगर उन्होंने एतवाद पर खड़ा किया मुझे, इंशाल्लाह जहां तक हो सके दिन रात लगाकर शानब लगाकर इनके साथ चलूंगी। बाकी रहा हार और जीत की, जब 2 मैदान में आए 2 खिलाड़ी, एक ने हारना एक ने जीतना है, तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह ताला दिन रात लगाकर जहाँ भी इनको जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मुझे भी आजमाएं। मैं भी मुझसे पहले भी कई पार्टियां रही हैं, 5 साल पहले आते हैं मुंह दिखाकर हम ये करेंगे, सड़कें बनाएंगे, पानी की इतनी प्रॉब्लम है इस राजौरी में, खासकर तीसरे दिन पानी आ रहा है वो भी 30-40 मिनट, उस पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, हमारी कोई प्रॉब्लम हॉल नहीं कर रहा और कोई हमारा यदि सुनाई नहीं सुन रहा। हम ये कहते हैं हमारे मसले हल होने चाहिए, 5 साल अगर हमें कोई देता है 5 साल के बाद हम काम ना करें, 5 साल के बाद फिर हम जाए इनको बोले वोट दे, किस नाम का वोट हमें देंगे? पहले सबसे पहले हमको काम करो भाई। जहाँ भी यहाँ कोरोना की बीमारी आई, कोरोना हुआ, किसी ने कोई पार्टी ने नहीं पूछा कर भाई क्या किसी को कोई परेशानी है, किसी ने कोई पूछा नहीं, अपने इंसान बैठे रहे। हम शुरू से ही पहले इसी जमात के थे, लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे बने कि हमें आगे पीछे हो गए। इंशाल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं कहती हूँ मेरे साथ पूरी जमात है। इंशाल्लाह ताला जहाँ बट इनका पूरा खानदान जो है पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थमा हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। आज इस वार्ड में वार्ड नंबर 7 में जो लेडी वार्ड यहाँ पर बनी है, यहाँ पे वो कैंडिडेट हमें चाहिए था जो हिंदू मुस्लिम सिख सबको एक साथ लेके चले, फिका प्रसिद्ध से दूर रहे, भाईचारा कायम रहे,
ये वो खानदान है जो एक फिरका प्रस्ती से दूर है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एक मिसाल यहाँ पे मिलती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि तमाम जो वार्ड में साथ के वोटर हैं वो इसको देखते हुए महबूबा जी को वोट देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हाथ मजबूत करेंगे। आज मुल्क के अंदर या सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों को ये बिल्कुल समझ आ चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई भी जमात जो है या सिर्फ जम्मू और कश्मीर को आगे नहीं ले जा सकती। वही जमात है जो हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा यहाँ कायम कर सकती है। और पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये सीट जो है हम यहाँ से जीत के चलेंगे कि मेरा